वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 12th, सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन द लास्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नाउ वी विल सीन सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 8, माहेश्वरी सांस्कृतिक मंच वॉज स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मेंबरशिप फी करंट ईयर 4200, लास्ट ईयर ₹150। करंट ईयर 4200 एंड लास्ट ईयर 150, टू मेंबरशिप फी दोनों साल को हम प्लस कर देंगे 4350 टोटल मेंबरशिप फी शो इन रिसिप्ट साइड। एंट्रेंस फी ₹1450 क्लब के लिए है, टू एंट्रेंस फी ₹1450 शो इन रिसिप्ट साइड। चैरिटी रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड ₹360, टू चैरिटी शो इन रिसिप्ट साइड, अमाउंट ₹360। फर्नीचर परचेस्ड ₹360, फर्नीचर परचेस्ड अमाउंट गया हमारी तरफ से बाय फर्नीचर ₹360। इन्वेस्टमेंट परचेस पेमेंट बाय इन्वेस्टमेंट ₹27,00। स्पोर्ट्स आर्टिकल परचेस ₹375 बाय स्पोर्ट्स आर्टिकल ₹375। जर्नल एक्सपेंसेस पेड बाय जर्नल एक्सपेंसेस ₹540। क्वेश्चन में हम कई बार आगे पीछे भी लिख देंगे तो किसी भी प्रकार से रॉन्ग नहीं होता है। नेक्स्ट, बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेड ₹187, पेड इट मीन्स पेमेंट, बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ₹187। सैलरी एंड वेजेस पेड इट मीन्स शो इन पेमेंट साइड, बाय सैलरी एंड वेजेस ₹600। रिपेयर पेड इट मीन्स शो इन पेमेंट साइड, बाय रिपेयर अमाउंट ₹82। डिपॉजिटेड विद द बैंक ₹607, बाय बैंक अमाउंट ₹607। डिपॉजिट्स इट मीन्स पेमेंट, हमारी तरफ से पैसा गया है इसलिए अपन इसको पेमेंट साइड में शो करेंगे ₹607। टोटल रिसिप्ट ₹6160, मेंबरशिप फी ₹4350, एंट्रेंस फी ₹1450, टू चैरिटी ₹360, टोटल रिसिप्ट अमाउंट ₹6160, बाय फर्नीचर -360, इन्वेस्टमेंट ₹2700, जर्नल एक्सपेंसेस ₹540, स्पोर्ट्स आर्टिकल ₹375, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस ₹187, सैलरी एंड वेजेस ₹600, रिपेयर ₹82, बैंक ₹607। एट द एंड में जो अमाउंट हमारे पास में बच जाएगा वो बचा हुआ अमाउंट होगा बैलेंस CD। टोटल रिसिप्ट्स में से सारे पेमेंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा वो हमारा फाइनल आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ रोहित क्लब इंदौर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। बैंक बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2016 ₹6000 already given, to balance BD
Show in receipt side ₹6,000. Membership fee from 9,000 members ₹5 each. 9,000 members per member ₹5 each paying is to be taken, but 500 members have not paid their fees for the current year. Total member 9,000. Each member paying ₹5. But 500 members have not paid in their fees. Total member 9,000, not paid 500. 2016 mein 8,500 per member paying ₹5. 2016 mein amount 42,500. The current year and 100 members have paid the fees for the year 2017, it means next year. 2017, 100 members per member paying ₹5, total amount 2017 mein ₹500. 2016, 42,500 amount. 2017, ₹500. So total amount received 43,000 to subscription amount ₹43,000. Salary ₹1,000 per month, but salary for December 2016 is yet to be paid. Matlab abhi pay karna baki hai. Salary ₹1,000 per month, but salary of December 2016 is yet to be paid. It means जो salary pay हुई है वो 1st January से November तक की हुई है. It means month कितने हुए हमारे 11. 1000 into 11 हमारा amount आया 11,000. Rent has been paid up to the March 2017. Prepare in this account 2016. And rent has been paid up to the March 2017. 2016 के 12 month and 2017 March 3 month. So total month count हुए 15. Rent has been paid up to the March 2017 at the rate of ₹1200 per month. 1200 into 15, total amount 18,000. Furniture ₹8,000 had been paid in advance. बात ही खत्म. पेमेंट हमारी तरफ से हुआ कितना 8,000, तो अपन शो कितना करेंगे यहां पर 8,000. दिसंबर 2016 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फर्नीचर वर्थ ₹2,000 वॉज रिसीव्ड. डजेंट मैटर, पेमेंट इन ₹8,000, शो ₹8,000. जर्नल एक्सपेंसेस ₹3,000 हैड बीन इनकर्ड. इनकर्ड का मतलब होना. आउट ऑफ विच ₹500 इज टू बी पेड. 3,000 हैड बीन इनकर्ड, आउट ऑफ विच ₹500 इज टू बी पेड. इट मीन्स टोटल अमाउंट शो इन 2,500. 500 is to be paid. It means outstanding. Outstanding is not shown in the receipt and payment account. Investment 5% government debenture have been purchased worth ₹6,000. Purchased, it means paisa gaya. Aur jo paisa jata wo hum kahan likhte hain hamesha? Payment side mein by investment government debenture ₹6,000. Office expenses paid ₹250 and ₹100 are unpaid. Unpaid, it means adjustment, outstanding, so not show in the receipt and payment account. By office expenses amount ₹250. Final picture हम देखें. Total receipt amount ₹49,000 and payment salary ₹11,000, rent ₹8,000,
18,000, फर्नीचर रुपीस 8,000, जनरल एक्सपेंसेस रुपीस 2,500, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट डिवेंचर रुपीस 6,000, ऑफिस एक्सपेंसेस रुपीस 250। इन सभी को 49,000 रुपीस में से माइनस करेंगे तो एट द एंड में अमाउंट जो रिसीव होगा बचेगा 3,250, वो होगा हमारा बैलेंस सीडी। एट द एंड में अगर हम देखें फाइनल पिक्चर में, सबसे पहले अपन लिखेंगे क्लब नेम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।